मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी ज्योतिष में विश्वास रखने वाले नवीन दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं हम सबका दिसंबर 2016 का महीना कैसा जाएगा। यादगार रहा यह पूरा वर्ष, लेकिन जाते जाते दिसंबर माह में क्या है खास व्रत पर्व त्योहार, पहले ये जान लेते हैं, फिर हम सिंह राशि से शुरुआत करेंगे राशिफल की। देखिए, इस महीने 11 तारीख को रवि प्रदोष व्रत है। इस व्रत को करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वहीं बच्चों के लिए जरूरी होता है जब कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन की स्किल डेवलप होती है। 26 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है। इस व्रत से मानसिक शांति में वृद्धि होती है। व्रत की पूजा के लिए शाम को 5 से 7 बजे के बीच में बिना नमक के एक टाइम खाना खाना श्रेष्ठ रहता है। 4 दिसंबर को राम जानकी विवाह उत्सव रहेगा। 10 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत और गीता जयंती है। वही 12 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध है। 17 दिसंबर को चतुर्थी व्रत है और 24 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत, 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व है और वहीं 31 दिसंबर को हम सभी का यादगार वर्ष समाप्ति का दिन आखिरी शाम होगी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में अगर आपके परिवार मित्र में कहीं कोई बच्चा पैदा हो रहा है और अगर वो बच्चा 1 तारीख 10 18 19 या 28 तारीख को पैदा होता है तो मान लीजिए कि उसका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो रहा है, जो कि उस बच्चे के लिए, बच्चे के परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसकी शांति पैदा होने के ठीक 27 दिन के आसपास जब वही नक्षत्र पुनः आता है तब उसकी शांति जरूरी है। अब अक्टूबर माह में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्र जाएंगे 2 दिसंबर को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में, वहीं 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 11 दिसंबर को मकर से कुंभ राशि में जाएंगे और सूर्य 15 दिसंबर को वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब आइए सिंह राशि की बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि की कुंडली इस महीने क्या कह रही है। ये कुंडली इस वक्त आपके सामने है। 5 नंबर सिंह राशि है, लग्न में राहु विराजमान है। सेकंड हाउस में देखिए गुरु विराजमान है, वहीं फोर्थ हाउस में सूर्य शनि है, जिसमें सूर्य राशि बदल रहे हैं। बुध शुक्र साथ में पंचम स्थान में, लेकिन शुक्र राशि बदल रहे हैं, एरो से आपको पता लग रहा है। मंगल उच्च राशि के 6th हाउस में, लेकिन 7th हाउस में जा रहे हैं और सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य रहेंगे, तकरीबन काल सर्प योग का प्रभाव रहेगा। अब सिंह राशि में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शनि की ढैया जो वो समाप्ति की ओर है, तो इस महीने का आपका ग्राफ क्या कहता है। देखिए बिजनेस बेटर है, यानी शनि की ढैया का प्रभाव काफी हद तक कम हो चुका है और आपने कमर कस ली है बिजनेस के लिए, 70% तक बिजनेस पहुंचा है। सेहत सबसे कमजोर है। कई बार हम अपनी दिनचर्या में किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरी चीज पर कम देते हैं, तो उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सेहत कमजोर है। जॉब वाले लोगों के लिए बिजनेस के इक्विवेलेंट लाभ मिल रहा है, वहीं मैरिटल लाइफ थोड़ी सी कमजोर है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है, यानी दिसंबर महीना आपके लिए जाते जाते यादगार भी साबित होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे ढंग से चलती रहेगी, छोटे हो या बड़े ट्रांजेक्शन भी हाथ में लगेंगे। कुछ नए ऑर्डर्स, कुछ नए बायर्स, कुछ नए लोगों के साथ आपके तालमेल बनने वाले हैं। पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट का भी कुछ हद तक अच्छा लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि शनि की ढैया अपना असर तो दिखाएगी। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है उसे 13 दिन में कराने में शनि ने महारत हासिल कर रखी है, इसीलिए इसका असर हमें जरूर मिलेगा। यदि आप बिजनेस एक्सपांशन की सोच रहे हैं तो आपकी सोच पूर्ण रूप से सही है। बढ़ते आगे सेहत की तरफ। आप शनि की ढैया के प्रभाव में पूर्ण रूप से आ चुके हैं, इसीलिए स्वास्थ्य का पारा थोड़ा कमजोर रहेगा। 2 प्रकार की हेल्थ होती है, एक इमोशनल हेल्थ, एक फिजिकल हेल्थ। तो इस महीने आपकी शारीरिक रूप से तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, कुछ अकेलापन महसूस होगा, कुछ कमी नजर आएगी, लेकिन वो क्या कमी है ये समझ में नहीं आएगा। तो मन कचोट करता रहेगा इस महीने, इसका असर आपके चेहरे पर साफ दिखाई देगा, नींद बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा खेल कूद या व्यायाम, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। वहीं यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी कराने का निर्णय अपने सोच विचार के 2 लोगों से और सलाह लेकर ही करिए। और अगर आपको हार्ट की तकलीफ है और एंजियोग्राफी नहीं हुई है तो एंजियोग्राफी से बचने के लिए आपको एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाना होगा, तो एंजियोग्राफी नहीं हो सकती है, इसलिए हम सबको एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाना चाहिए। मन मस्तिष्क में अकारण भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। जॉब के लिए कैसा रहेगा यह महीना,
देखिए एडमिन जॉब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हैं वो ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे फौज में है, एडमिन सर्विसेज का किसी भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, उनका ट्रांसफर लगभग कंफर्म की कगार पर आ चुका है। मैरिटल लाइफ और आपके रिलेशनशिप, मन अशांत रहेगा, बचते बचते भी किसी से कहा सुनी अथवा पत्नी का नकारात्मक रवैया जैसी कई छोटी बड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आप पत्नी और बच्चों के साथ घूमने फिरने पिकनिक मनाने का जो डिसीजन है वो अपने पत्नी और बच्चों पर छोड़िए, जैसा वो कहते हैं उसको मानिए, इस महीने आपको आनंद मिलने वाला है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप अपनी लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो यह महीना सोचने का नहीं कुछ करने का है। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, आप शनि की ढैया के थोड़े से प्रभाव में जरूर हैं, ऐसे में कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम, माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना और पूर्ण रूप से आप किसी एक चीज़ पर फोकस इस महीने नहीं कर पाएंगे, ना तो ज़्यादा खेलकूद में, ना ज़्यादा अपनी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज में, ना पढ़ाई में, ना सोशल मीडिया में जिसमें आप लगे रहते हैं, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा तालमेल ढंग से बिठाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विजयी बनाने के लिए आपको कमर कसनी होगी और बड़ों का आदर सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। विदेश में अगर पढ़ने जाने की सोच रहे हैं तो ये सोच आपकी क्रियान्वित हो जाएगी और आने वाले समय में आप वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। कुल मिलाकर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम, बाकी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था सिंह राशि वाले लोगों का 2016 का दिसंबर माह का राशिफल। अगर आपकी राशि कन्या है तो दिसंबर 2016 का महीना कैसा जाएगा, इसे सबसे पहले मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त ये कुंडली आपके सामने है। शुक्र देखिए अपनी राशि बदल रहे हैं, 2 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में और 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वही मंगल 11 दिसंबर को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 दिसंबर को वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। पूरी कुंडली कैसी है देखिए, लग्न में ही गुरु विराजमान है, सबसे बढ़िया पोजिशन लग्न की होती है। सूर्य शनि थर्ड हाउस में विराजमान है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है फोर्थ हाउस में, वही मंगल पंचम स्थान में उच्च राशि के, केतु सिक्स हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में राहु। इन सब के समीकरण को ध्यान में रखते हुए हमने आपका राशिफल तैयार किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या राशि का महीने का ग्राफ कैसा रहेगा। देखिए बिजनेस 50% तक, यानी आप ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सेहत पर थोड़ा सा ध्यान अच्छा दिया आपने, जॉब वालों के लिए भी तकरीबन 60% का असर है। वहीं सबसे बढ़िया मैरिटल लाइफ है, घर में आप सुखी इस महीने ज़्यादा रहने वाले हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी मिले जुले परिणाम वाला समय कहा जा सकता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम जानते हैं बिजनेस। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस समय अपने पार्टनर से आपको प्यार मोहब्बत से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि छोटी बातों पर जहां लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2-4 हजार रुपए पे आप ध्यान देकर आप अपनी पार्टनरशिप के रिलेशन को खराब कर बैठेंगे, इसलिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। वहीं बिजनेस में चीटिंग, अधिकाधिक पैसा फंस जाना, पार्टनर के द्वारा मुनाफे को लेकर टकराव की सिचुएशन बन सकती है, यहां तक कि बिजनेस सेपरेट करने जैसी सिचुएशन भी कुछ हद तक आपके सामने आ रही है और आगे भी और परेशान कर सकती है। अगर आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, सोलो अकेले बिजनेस अपना कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप कुछ नया करने की फिराक में जरूर है, उस पर आप पूरा ध्यान दे रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस पर ध्यान नहीं देने की वजह से वो तालमेल आपका खराब हो जाएगा, उसका असर आपके प्रॉफिट पर पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करना या उसे पढ़ना सुनना अच्छा रहेगा। सेहत, जिस तरह बारिश में छाते के द्वारा हम अपने आप को भीगने से बचा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ प्रिकॉशन और टाइमली हेल्थ चेकअप के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा भी कर सकते हैं। सर्द मौसम है, गर्म ऊनी कपड़े पहनकर सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसमें एलर्जी की प्रॉब्लम की संभावना इस वक्त ज़्यादा बन रही है। जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं उनको इस महीने काफ़ी तकलीफ हो सकती है, बेटर है कि आप अपने बचाव का पूरा उपचार करके चलिए। बढ़ते आगे, जॉब और करियर, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हो, कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको इन दिनों मिल सकती है, जिससे आप डिस्टर्ब थोड़े से जरूर होंगे, क्योंकि आपका मन करता है कि मैं आराम से अपना काम करूं। शनि की ढैया 26 जनवरी 2017 से शुरू होगी, उससे पहले ही उथल पुथल मचने वाली है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप जॉब चेंज कर ही लें। अगर आप किसी भी कारण से जॉब चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो सकती है। कुल मिलाकर ये महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा ही मिलेगा। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 26 से 28 नवंबर मुंबई, संपर्क करें 9324272446, 9322272446।
3777660। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आपका दिसंबर 2016 में मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। इन दिनों जैसे हम देवी की पूजा करते हैं वैसे ही अपनी पत्नी और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपनी प्रेमिका की पूजा जरूर करिए, क्योंकि लग्न में गुरु विराजमान है जिसकी दृष्टि सेवंथ हाउस पर है, तो आपकी पत्नी जो सलाह देती है उसे मानना चाहिए, उनका सहयोग भरपूर आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक हो या कुटुंब की मेलजोल हो, वो आपकी पत्नी की वजह से ही रिलेशन बहुत अच्छे बने हैं, तो थैंक यू देना नहीं भूलें। बच्चों के बड़े दिनों से इच्छा थी कि छुट्टियों में बाहर घूमने जाया जाए, उस इच्छा को आप पूर्ण करिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, कोई जिंदगी काटने के लिए नहीं भेजा है। और दिसंबर का महीना है, 31st है, क्रिसमस है, ये सब वीकेंड है, छुट्टियां हैं, तो आपको आनंद जरूर लेना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 12th हाउस में राहु रहेंगे जो ट्रैवल का घर है, तो ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उस छुट्टियों के दौरान पति पत्नी में कुछ अनबन होने के आसार बन रहे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा है कि अपनी पत्नी को अपना सबसे बढ़िया वेल विशर वो है भी, और उन्हीं को भी मानकर चलना चाहिए, समर्पण की भावना। और अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने ये ख्याल को त्याग दीजिए। अगले महीने 1 तारीख के बाद आप अपने माता पिता से बात करिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आइए बात करते हैं अगर आपकी राशि कन्या है तो स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा ये महीना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का चाहे 11 बार ही जाप क्यों ना हो वो करके ही हमें निकलना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस महीने आपके संतान यानी आपके एजुकेशन पर, संतान पर, करियर पर और भाग्य पर आ रही है, तो हम क्यों नहीं गुरु के लिए और बढ़िया काम करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका ध्यान पूरा करिए, अगर गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा को प्राप्त करना चाहिए। साथ में बैठी हुई गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सफलता के लिए यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो यह था कन्या राशि वाले लोगों का दिसंबर 2016 का राशिफल। आइए अब बात करते हैं तुला राशि और 2016 के दिसंबर महीने का राशिफल की। तो सबसे पहले मैं तुला राशि की कुंडली आपको बताना चाहूंगा कि इस महीने आपके कुंडली में कौन कौन से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और किस तरह की यह कुंडली बनेगी। इस वक्त की कुंडली आपके सामने है, देखिए शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं, 2 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में रहेंगे तथा 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वही मंगल 11 दिसंबर को मकर से कुंभ राशि में जाएंगे और सूर्य 15 दिसंबर को वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बाकी प्लैनेट्स क्या कहते हैं, सूर्य और शनि 2nd हाउस में रहेंगे, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग 3rd हाउस में, 4th हाउस में रोचक योग बड़ा सुंदर, और फिर पंचम स्थान में केतु, 12th हाउस में गुरु विराजमान ये थोड़े से कमजोर हैं, और वहीं प्रॉफिट हाउस में राहु बहुत सुंदर पोजीशन में है। इन्हीं सब से हमने तैयार किया आपका राशिफल, इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। बिजनेस 60% तक, हेल्थ डावाडोल है, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, यह शायद आप भूल चुके हैं इस महीने। जॉब बेहतर है, जॉब और मैरिटल लाइफ जो है वो लगभग 70% दोनों का है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कमजोर महीना कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि तुला राशि वालों को शनि की 7.5 खत्म हो रही है 26 जनवरी 2017 में, जाते जाते शनि कुछ डिस्टर्ब जरूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे ढंग से चलती नजर आएगी, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आप शनि की 7.5 से काफी हद तक प्रभावित हो चुके हैं। पिछले काफी समय से जो पैसा हम जिससे मांग रहे हैं वो आ नहीं रहा है, जिसको हमें दे रहे हैं वो हम टाइम पर नहीं दे पाए, इससे कई बार हमारा कमिटमेंट भी डिस्टर्ब हुआ, इससे मानसिक अशांति बढ़ा। ऐसे में इन दिनों प्रतिष्ठान अथवा दुकान के लेखा जोखा पर जो भी पेपर स्टॉक भरे हुए जो भी चीज़ें हैं उसे आप क्लियर करिए, क्योंकि इनकम टैक्स या कोई भी प्रकार के सर्विस टैक्स, इस प्रकार की तकलीफ आपको आ सकती है, वरना कोई सरकारी जो तकलीफ हो सकती है वो आपके लिए बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। अपने समय का सदुपयोग बिजनेस में लाभ बढ़ाने के लिए करिए, किसी भी वाद विवाद की सिचुएशन से अपने आप को दूर रखिए, योजना सही ढंग से बनाइए और योजना के बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करिए। बात करते हैं सेहत की। आप शनि की 7.5 से प्रभावित हैं,
यहाँ पर जो ट्वेल्थ हाउस में गुरु राहु का जो 2-12 का संबंध है, हालांकि सिक्स हाउस पर गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि में अमृत है, परंतु साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो भी तो आपको तकलीफ देगा। इस प्रभावित होने के कारण अन्य समस्याओं के साथ साथ इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम बना रहेगा। इलाज करवाने के लिए भी स्वास्थ्य में सुधार न आ पाने के कारण अस्पताल तथा डॉक्टर भी बदलने पड़ सकते हैं और उसके तरीके भी बदलने पड़ सकते हैं। एलोपैथी को छोड़ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कई तरह की और चीज़ें वो आप करेंगे, उससे क्या होगा कि टू मच इज़ टू बैड, और जहाँ पर 4 हलवाई होंगे वो हलवा खराब ही बनेगा, जितने हलवाई होंगे उतने नुकसान होता है। इसलिए एक ही चीज़ पर कायम रहिए और अपने मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। जॉब और करियर, यह महीना सभी वरिष्ठ पद अधिकारी जो बड़े ओहदे पर है, जिनका नाम प्रमोशन पैनल की लिस्ट में है, उनके पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। जाते जाते यह साल आपको पदोन्नति यानी प्रमोशन दिलाने का पूरा कर्म हो सकता है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो तब तक आप चुप रहें। वहीं आप लंबे समय से अपने घर की चॉइस, अपने जो होम टाउन की चॉइस पोस्टिंग के लिए मांग रहे हैं, ये कार्य भी इस वक्त आपके लिए पॉसिबल बन रहा है। मैरिटल लाइफ और आपके रिलेशनशिप, यह समय निश्चित ही सुकून भरा कहा जा सकता है। पूरे महीने हर्षवर्धक समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। ऐसे में आप बच्चों और परिवार के साथ विंटर वैकेशन का प्लान जरूर करिए। स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम से ठीक पहले का यह बहुमूल्य समय, इसका पूर्ण सदुपयोग करिए। व्यर्थ में दोस्तों के साथ गपशप, मजाक मस्ती, फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया में आप अपने आप को व्यस्त मत करिए। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आज कलम घिसोगे तो बाद में आराम रहेगा, आज आराम करोगे तो जिंदगी भर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये इस वक्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये महीना आप डिस्टर्ब थोड़े से हो सकते हैं, परंतु ओवरऑल आपका भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए कुल मिलाकर आप सब कुछ ठीक कर ही लेंगे। तो ये था तुला राशि वाले लोगों का दिसंबर 2016 का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले लोगों का 2016 का जाते जाते दिसंबर महीना कैसा रहेगा, इसे हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह महीने में आपकी कुंडली कैसी रहेगी, वो इस वक्त आपके सामने है टेलीविजन पे। इस वक्त 3 प्लैनेट हैं जो अपनी राशि बदल रहे हैं। शुक्र 2 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल, देखिए मंगल का एरो दिखा रहा है कि 11 दिसंबर को वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पीछे पीछे सूर्य 15 दिसंबर को वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने की कुंडली पूर्ण रूप से क्या कहती है, देखिए लग्न में ही सूर्य शनि का योग है, सेकेंड हाउस धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, पराक्रम स्थान में बहुत अच्छा मंगल विराजमान है उच्च राशि के। वहीं फोर्थ हाउस में केतु थोड़ा सा कमजोर है माँ के स्वास्थ्य के लिए। सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य विराजमान है और वहीं 11th हाउस में गुरु कन्या राशि विराजमान है। कुछ अशुभ और कुछ शुभ योगों की वजह से हमने आपका तैयार किया राशिफल। इसे मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दूं कि बिजनेस 60% तक है, यानी आप फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं। हेल्थ थोड़ी सी डावाडोल रहे, जॉब वालों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा यह महीना। वहीं मैरिटल लाइफ के लिए भी कमजोर है, यानी आप घर के बाहर ज़्यादा ध्यान देंगे इस महीने, अंदर कम। वही स्टूडेंट्स के लिए मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला समय रहेगा। शुरुआत करते हैं बिजनेस को लेकर। प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए निवेश का इन दिनों कुछ हद तक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साढ़े साथी की वजह से आप काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों को बेचकर नहीं लेना चाह रहे थे, हर चीज़ डिले हो रही थी, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपका प्रॉपर्टी बिक जाए और आपका काम पूरा हो जाए। नया निवेश करने की सलाह मैं जरूर दूंगा, लेकिन कुछ हद तक ये पैसा आपका फालतू चीज़ों में फंस सकता है, यानी आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करें तो पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देकर करिए, अन्यथा कुछ गलत इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो पैसा नुकसान में तब्दील हो सकता है। ऐसे में धार्मिक पुस्तकों में आप शनिवार व्रत कथा, दशरथ ग्रत, शनि स्त्रोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें और उनकी किताबों को बांटना चाहिए तो शनि के लाभ आपको मिलेंगे। और कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। सेहत, साढ़े साथी के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोई नया रोग एकाएक आपके सामने परेशानी लाकर खड़ी कर सकता है। हड्डियों में तकलीफ आपको बढ़ सकती है, गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ। वहीं आपको स्टोमक से संबंधित कोई बड़ी बीमारी भी निकल कर आ सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़िए। ऐसे में अस्पताल में जाना, महंगी जांच और कई तरह के चक्कर काटना, ये सब चीज़ें इस महीने आपकी पॉसिबिलिटी बना रही है। जॉब, जो कि इस महीने सबसे बढ़िया है, देखिए गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें जब हम काम करते हैं
हम जैसा काम चाहते हैं अगर वैसा हमें काम मिल जाता है तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसे हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। यह आपको इस महीने थोड़ा सा ठीक मिलने वाला है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, जॉब में आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए रास्ते खुले हुए, सारी चीजें आपकी पॉसिबल है, बस वैसी मेहनत की जरूरत है। आपका इस महीने पैसा ज्यादा बचने की उम्मीद नहीं है, खर्च ज्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कमा किसके लिए रहे, खुद के लिए, परिवार के लिए, तो खर्चा करिए। अगर आप लंबे समय से चॉइस की पोस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने आपके लिए प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। कोशिश करें कि मंगल और शनिवार को जॉब चेन, ट्रांसफर, प्रमोशन के लिए प्लानिंग किया जाए। बात करते हैं मैरिटल लाइफ और आपके रिलेशनशिप के बारे में। पारिवारिक हो या कुटुंब की है, कुछ हद तक तनाव आपको इस वक्त देखने को मिलेंगे। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साढ़े साथी का असर भी आपको पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना अच्छा रहेगा। अपनी पत्नी को देवी स्वरूप समझ के ही उनकी पूजा करिए और उनकी हर बात में हाँ मिलाने में आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। साढ़े साथी के कारण पत्नी के रोगग्रस्त होने से आपका थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हो सकता है और जो घूमने फिरने की छुट्टियां वो कुछ हद तक कैंसिल हो सकती है। आपकी प्लानिंग में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जिस वजह से भी तनाव रहेगा। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए आपको प्रयास की जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के बारे में कि उनका क्या हाल रहेगा दिसंबर 2016 में। जो बच्चे अपनी स्कूलिंग के अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें नए नए कोर्स के ज्वाइन करने के लिए अपने शिक्षा के अतिरिक्त पूरी राजनीति के शिकार आप हो सकते हैं, यानी दूसरे दोस्तों की वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अपनी रणनीति को सही ढंग से बनाना होगा, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों का दिसंबर 2016 का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। तो यह था आज का राशिफल। अगर आप हमारे राशिफल को YouTube पर जाकर देखना चाहें तो सब्सक्राइब करिए और देखिए। Facebook से जुड़ सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके लिए जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं और सब लोग सिर्फ यही चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जिएं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जिंदगी को जीने के लिए भेजा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराए नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 2432625, 9829026625, 8955896625।